नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र के देशी शराब दुकान के पास एक लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मामले की सूचना पाकर कुंडम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल ACP प्रदीप कुमार शिंदे ने बताया कि कुंडम थाना क्षेत्र के देशी शराब दुकान के पास एक लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं मृतक की पहचान अरुण कुमार भागले के रूप में हुई है, जो कि निवास में पटवारी के पद पर कार्यरत थे। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, जल्दी मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं शव का पंचनामा कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कुंडम थाने के अंतर्गत देशी शराब की दुकान के बाजू में एक डेड बॉडी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई थी, जिसका प्राथमिक अपने जांच कार्रवाई किया है, जिसमें जानकारी में आया कि जो मृतक व्यक्ति है उसका नाम अरुण भादले है और वो निवास में पटवारी के पद पर कार्यरत थे। ये बड़वानी के रहने वाले हैं। इनके परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है, जैसे ही परिवार के लोग आ जाएंगे और उसके पश्चात अपन शव पंचनामा की कार्रवाई करेंगे और मर्ग पंजीबद्ध किया जा करके इसमें जांच हमारी जारी है। जांच में जो भी एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे कार्रवाई करेंगे। ऐसी खबरों बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।